दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी अब सासू माँ कैसी हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अरुणिमा जी पिंकू से बोली, बेटा मेरे हाथ में अभी भी दर्द है, मेरे दोनों हाथों में अंतर दिख रहा है क्या, कहीं सूजन तो नहीं। अरुणिमा जी का बेटा पिंकू यानी पंकज ने माँ के दोनों हाथों को देखा, फिर बोला, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन बड़ा दर्द हैं। अरुणिमा जी बोली, उनकी आदत थी, वह अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता करती हैं और स्वास्थ्य के ही बारे में बातें करती हैं। कल बाहर घूमने गई थी और अपने टहलने के बाद अपने साथ एक छोटा सा तरबूज लाई। तरबूज उठाने की वजह से उनके हाथ में दर्द हो गया था, ऐसा वहाँ कह रही थी। पंकज बोला, क्या माँ छोटा सा तरबूज उठाने में दर्द कैसा, लेकिन दर्द है तो चलो तुम्हें कोई क्रीम लगा देता हूँ। सुबह सुबह पंकज ने अपनी माँ को क्रीम लगा दिया। अरुणिमा जी अपने बेटे पंकज के पास कुछ दिन पहले आई थी। घर में पंकज, पत्नी निशा और एक बेटा आरव और बेटी अहना थे। निशा ने दोनों माँ बेटे को देखा, सोचा कि मम्मी जी को सुबह सुबह क्यों तकलीफ बढ़ जाती है और दिन भर तो कोई तकलीफ रहती ही नहीं, दिन भर तो वह टीवी देखती हैं, समय समय पर खाना नाश्ता फल दूध सब लेती हैं, सब कुछ तकलीफ नहीं बताती। सुबह के समय ही अपने बेटे को अपनी तकलीफ ही क्यों बताती हैं, क्यों नहीं कि दिन में क्या अच्छा किया या फिर नया क्या देखा टीवी पर या नया क्या सीखा या बताती हैं। दरअसल अरुणिमा जी की ये खास आदत थी, उनसे कोई पहली बार मिले या ट्रेन की जर्नी मैं भी अगर कोई तो मिले तो उनको अपनी सारी बीमारी के बारे में बताती और बताती कि कितनी उनको तकलीफ है, वह कभी नहीं बताती कि उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, बस वहाँ अपनी बीमारी के बारे में बातें करते। शाम को आने के बाद बेटे से बात करती और पूछती, बेटा दवा लाए या फिर ये मेरी दवा खत्म हो रही है, पंकज तुमसे जो खाने का सामान मंगाया लाए क्या, बस गिन सुन के आत्म केंद्रित बातें। खैर कुछ दिन के लिए रहने आई थी निशा, क्या कहती, हफ्ते भर बाद सासू माँ चली गई। अरुणिमा जी अपने बड़े बेटे के पास चली गई। बड़ा बेटा यानी सुधीर और बड़ी बहू आबा और उनके बेटे नवल और नवीन अब अरुणिमा जी वहां पहुंच गई। निशा जब फोन करे तो अरुणिमा जी बताती कि रात में नींद नहीं आई, पसीना पसीना हो रही थी या फिर आज पेट बहुत टाइट था, कुछ खा नहीं पाई। अब निशा फोन करती और बात करती, यही सब सुन के फोन रख देती। फिर उसने अपनी जेठानी आबा को फोन मिलाया, पूछा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है कि। आबा ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने कमरे में हैं, अभी नाश्ता करके ही गए हैं, अभी उनसे बात हुई ना दीदी तो पता चला कि उनको रात में नींद नहीं आई, पसीना पसीना हो रही थी और पेट भी कुछ टाइट था। आबा बोली, पता नहीं मुझे लगता है नाश्ते की वजह से टाइट होगा, उन्होंने अपना पसंदीदा ब्रेड पकोड़ा खाया है, पसंद है क्या करे, बनाती रहती हूँ, पसीना पसीना हो रही होगी तो हो सकता है उन्होंने रात में जल्दी ऐसी बंद कर दिया होगा। निशा ने और थोड़ी सी बातें की और फोन रख दिया। जब तक सासू माँ बड़े बेटे के पास रहती, रोज सुबह 8 बजे छोटे बेटे पंकज को फोन मिलाती पर अपना हाल साल बताती। हाल साल में क्या कि बेटा रात में नींद नहीं आई, यहाँ दर्द था वहाँ दर्द, अपने यही दुख तकलीफ की
बातें बताती और बेटा क्या करता है सुनता। सब दवा टाइम से अरुणिमा जी को दिया जाता था। फल ड्राई फ्रूट खाती पीती थी। ट्रेड मिल खरीद दिया गया था जिससे कि बाहर नहीं जा पा रही हैं तो घर पर ही वॉक कर ले। हर प्रकार से जो कहती खरीद दिया जाता लेकिन कभी भी कुछ अच्छी बातें फोन पर या वैसे भी वो नहीं करती। निशा अपनी नई शादी के बारे में सोचने लगी कि मम्मी जी की तो आदत ही है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में बातें करना। चलो उसके बारे में बातें करना अच्छी बात है लेकिन उसमें भी सिर्फ बीमारी के बारे में बातें करना अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि हम जितना ही नकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं हमारा शरीर उसी को एक्सेप्ट करने लगता है। हम अगर सोचे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हर चीज बुरी ही दिखाई देगी। निशा अपनी शादी के बाद के शुरुआती दिनों के बारे में सोचने लगी कि उसकी सासू माँ शादी के हफ्ते पर बाद ही बोलने लगी थी कि अरे क्या बताए मुझे तो 75 बीमारी हैं। कौन सी बीमारी है जो नहीं है, क्या खाए क्या ना खाए। निशा ने जब खाना बनाया तो खाने में कम तेल और कम नमक डालना शुरू किया तो सासू माँ ने ऊपर से नमक डाला और साथ में बोला कि खाने में जब तक तेल ना पड़े स्वाद नहीं आता। निशा ने सासू माँ को मिठाइयाँ खाते भी देखा फिर सोचने लगी चलो ठीक है मन करता है खाने का लेकिन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। सासू माँ ये अच्छी बात थी कि समझ से दूध दही फल जरूर खाती, खाना भी बिल्कुल टाइम से खाती और साथ में वॉक पर जरूर जाती। उनकी जिंदगी में सुबह शाम की वॉक शामिल थी। सासू माँ अपने आप को बहुत एक्टिव रखती। शादी ब्याह में जाना हो, पिक्चर देखने जाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो वह हमेशा तैयार रहती हैं लेकिन जब उनसे बात करो तो बस बातों को एक ही टॉपिक रहता है बीमारी। निशा सोचती बुढ़ापे में लोग ऐसी बातें करते हैं लेकिन साथ ही वह भी सोचती आप किसी चीज के बारे में एक ही बार करेंगे ना कि वही एक टॉपिक रोज रोज। सासू माँ अपने दोनों बेटों के पास आती जाती रहती थी तो अब फिर अपने बड़े बेटे के पास कुछ महीने रहने के बाद वापस निशा पंकज के पास आ गई। पंकज को सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता। निशा सुबह के कामों में बिजी रहती, बच्चों को स्कूल भी जाना होता, साथ में नाश्ता भी तैयार करना होता और सुबह की साई आदि 8:30 बजे के पहले पहले बहुत सारे काम रहते होते और 9 बजे तक पंकज भी अपने ऑफिस के निकल जाते। अब सासू माँ का वापस से अपना बीमारी पुराण चालू हो गया था। सुबह सुबह अखबार पढ़ती और कोई खबर निकालती कि देखो किसी को ये बीमारी हो गई, अचानक मर गई या किसी बहन का फोन आया था किसी को ये बीमारी हो गई। ऐसी बातें नाश्ता करने का और पेपर का समय एक ही होता है। शुरू शुरू में निशा ने कुछ नहीं बोला कि बड़ी है बेटे की मन की बात कह रही है लेकिन अब वह रोज ही होता कि वह पेपर पढ़ती रहती और ऐसी कुछ ना उस खबर बताती या फिर अपनी ही किसी तकलीफ के बारे में बताती और उनका बेटा नाश्ता कर रहा होता। एक दिन निशा को गुस्सा आ ही गया। उसने बोला मम्मी जी माफ करिएगा, आप तो पुराने जमाने की हैं, जब कहा जाता था खाने को भगवान को अर्पित करके खाया जाता है और खाने को हमेशा शुद्ध विचार के साथ खाने चाहिए। आप तो जब भी हैं पंकज खाने बैठते हैं तब यही सब बीमारी की बातें करती हैं। खाने में भी नकारात्मक भाव जाते होंगे, खाना तो कम से कम खुशी खुशी खाने दे दिया करिए। अरुणिमा जी गुस्से से बोली तुमसे क्या मतलब,
मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। निशा बोली, बिल्कुल ठीक, आप अपने बेटे से बात कर रही हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। जिस प्रकार से वह आपकी हर बात का ख्याल रखते हैं, अच्छी बातें भी उनके दिमाग में डालिए, सिर्फ अपने स्वास्थ्य चिंता मत डालिए। आपके बेटे के भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बोलकर निशा वापस किचन में चली गई। पीछे से पंकज जाए और बोले कि माँ को तुमने दुखी कर दिया। निशा ने बोला, मैं अगर एक समस्या को आपसे बार बार बोलती हूँ तो आप कहते हैं कि बातों को इतना रिपीट मत किया करो, और मैंने क्या गलत किया? खाने के समय अच्छी बात करनी चाहिए ना, इससे आप खुशी खुशी खाना खाए। मैं तो आप ही के बारे में बोल रही थी, शाम की साय के साथ भी ऐसी बातें कर सकते हैं। पंकज ऑफिस चले गई। दिन भर निशा से अरुणिमा जी ज्यादा नहीं बोली। अगले दिन सुबह नाश्ता दे रही थी। पंकज को तो सासू माँ पंकज और सुधीर भैया के बचपन के बारे में बातें करने लगी और निशा ने राहत की सांस ली। यहाँ इस कहानी का प्रयोजन यही था कि कुछ बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चिंता में डाले रहते हैं और बातों का टॉपिक सिर्फ यही रहता है, कभी भी अपने जीवन में अच्छा हो रहा है उसके बारे में सहसा नहीं करते, जिससे कि उनके बच्चे भी दुखी रहते हैं। ना ही सिर्फ बुजुर्ग बल्कि कुछ कम उम्र के लोग भी सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में बातें करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। दुनिया में कौन है जिसके पास समस्या नहीं? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।